हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन रेसिस्टेंस बी कम्बाइंड विथ वन अनदर। ऑप्शंस हैं सीरीज़, बी में है पैरेलल, सी में है सीरीज़ एंड पैरेलल, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेसिस्टेंस का मतलब हम लोग समझते हैं, रेसिस्टेंस मतलब होता है अवरोध। अब अवरोध मतलब किसी चीज़ को रोकना, मतलब किसी चीज़ के किसी के रास्ते में रुकावट पैदा करना। तो जब किसी वायर्स में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो वायर्स आएगी, तो किसी वायर में अगर हमारा चार्ज फ्लो करता है, मान लेते हैं कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो उसको जो कॉपर मटेरियल है वो उसको रोकेगा कि नहीं, आपको मैं फ्लो नहीं होने दूंगा। लेकिन वो फिर भी फ्लो होगा, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो रोक रहा है कॉपर चार्ज को वायर में, उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा ये जा रहा है कि रेसिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ए में है सीरीज, तो सीरीज का मतलब हुआ कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल में अगर जोड़ दिया जाए तो वो सीरीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले का पैर दूसरे वाले के सर में, फिर दूसरे वाले का पैर तीसरे वाले के सर में, ऐसे जोड़ दिया जाए तो वो सीरीज होगा। पैरेलल कैसे होगा? पैरेलल होगा आपका सभी का सर को एक साथ जोड़ दिया जाए, मतलब सभी के हेड को एक साथ जोड़ दिया जाए और सभी के पैर को एक साथ जोड़ दिया जाए, सभी के टेल को। ठीक है, तो ये पैरेलल होगा। सी में है सीरीज एंड पैरेलल, डी में है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल दोनों में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सारे मेथड्स होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर सीरीज में हम कंबाइन करते हैं रेसिस्टेंस को तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला पूछा जा रहा है। यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो ए में है आर इजिकल टू आर वन प्लस आर टू, बी में आर इजिकल टू आर वन माइनस आर टू, सी में है आर का मतलब यहाँ पे है आर टोटल, सी में है आर इजिकल टू आर वन इंटू आर टू, डी में है वन बाय आर इजिकल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। तो ध्यान देना है कि जब भी सीरीज़ में पूछा जाए, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले वाले का जो रेसिस्टेंस होगा उसको डायरेक्टली दूसरे वाले के रेसिस्टेंस से जोड़ देंगे, मतलब R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल में होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? तब हमारा डी फॉर्मूला हो जाएगा, सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो पैरेलल के केस में हो जाएगा वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीरीज क्या पूछा जा रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वोल्टेज इज ऑलवेज सेम। अब यहाँ पे एक टर्म आया है वोल्टेज। अब ये वोल्टेज क्या होता है? तो जब भी किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसको फ्लो कौन करवाता है? तो उसको फ्लो करवाने के पीछे वोल्टेज का ही हाथ होता है। वोल्टेज उसको बेसिकली क्या बोलता है कि मतलब एक वो फोर्स है, वोल्टेज जो हमारा है वो फोर्स है, एक फोर्स के साथ उसको क्या करता है, रेसिस्टेंस जो पैदा कर रहा है वायर्स, ठीक है, उसको वो उसके उल्टे डायरेक्शन में उसको आगे की ओर पहुंचाने का कोशिश करता है, मतलब वोल्टेज के कारण ही करंट फ्लो करता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज उसे क्या करता है, फ्लो करवाता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन विच कम्बिनेशन, कौन से कम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होगा, मतलब रेसिस्टेंस का कौन से कम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेम कब रहेगा, पहली सीरीज की बात करते हैं। अगर सीरीज में मान लेते हैं एक का हेड दूसरे के टेल के साथ है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जला, ठीक है, पहले वाले में, आगे वाले में जाके वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे वाले में जाके वोल्टेज और कम हो जाएगा, तो सीरीज हमारा नहीं होगा। बी पैरेलल, हाँ ये होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, जो करंट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण दोनों का वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पैरेलल।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, इफ़ रेसिस्टेंस आर कम्बाइंड इन सीरीज, अगर रेसिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ें तो द वैल्यू ऑफ करंट इज, तो करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम इन ऑल रेसिस्टेंस, अगर हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो करंट का वैल्यू हर एक रेसिस्टेंस में बराबर होगा, बी है डिफरेंट इन ऑल रेसिस्टेंस या सब में अलग अलग होगा, सी में डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, डी नन ऑफ द अबव, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, रेसिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, डी भी नहीं होगा, डिफरेंट इन ऑल रेसिस्टेंस और सेम इन ऑल रेसिस्टेंस, बस हमारे पास ये दो ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सीरीज की बात, तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है सभी रेसिस्टेंस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वही करंट तो सबके सबसे होते हुए पास होगा ना, वही करंट आर वन में मतलब रेसिस्टेंस वन में पास होगा, फिर वही करंट आर टू में जाएगा, फिर वही करंट आर थ्री में जाएगा, इसीलिए सेम इन ऑल रेसिस्टेंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, डोमेस्टिक वायरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, डोमेस्टिक वायरिंग मतलब घर में जो हमारा वायरिंग होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सीरीज का है, पैरेलल का है, मिक्सचर ऑफ बोथ है या नन। तो डोमेस्टिक वायरिंग याद रखना है इसको, कि घर में जो हमारा वायरिंग होता है वो पैरेलल रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि पैरेलल क्यों रहता है, सीरीज क्यों नहीं रहता है? तो पैरेलल इसलिए रहता है क्योंकि बेसिकली पैरेलल में क्या होता है कि सभी का कनेक्शन अलग अलग होता है। अब जैसे हमारे घर में एक फ़ैन है, एक बल्ब है, एक रेफ्रिजरेटर है, एक टीवी है, ठीक है, और भी बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, तो अगर हमें सिर्फ एक किसी को बंद करना है तो ये हम पैरेलल में ही कर सकते हैं। अगर सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, सीरीज में रहेगा तो अगर हम एक को बंद करेंगे, एक अप्लायंसेज को, जैसे मैंने बल्ब बंद किया तो सारा अप्लायंसेज अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है, सीरीज बल्ब। सीरीज बल्ब में क्या होता है, सभी सीरीज में रहते हैं, जो आप लोग दीपावली में यूज़ करते हैं तो सभी सीरीज में रहते हैं, ठीक है। तो सीरीज में रहने के कारण जैसे ही हम एक स्विच को बंद करते हैं सारा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो पैरेलल के भी अपने एडवांटेज हैं, सीरीज के भी अपने एडवांटेज हैं, तो डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग पैरेलल यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे ए ऑप्शन है डब्ल्यू बाई टी, बी है डब्ल्यू इंटू टी, पी है डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर, डी एन एन ऑफ देव। तो पावर का फॉर्मूला आपका बेसिकली होगा वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, मतलब डब्ल्यू से वर्क डन, बाई टाइम मतलब बाई टी, तो हमारा आंसर हो गया ए, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मतलब वर्क डन बाय टाइम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन, द यूनिट ऑफ पावर इज, हाँ पावर का यूनिट पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यूनिट को कभी याद नहीं करना है, यूनिट को हम फॉर्मूले से निकालने का कोशिश करेंगे, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। तो पावर अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का सेकेंड होता है, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा जूल बाय सेकेंड, ठीक है। बी है वॉट, सी में है बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जूल पर सेकेंड तो हमारा आंसर होगा ही, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे ए बता सकते हैं सही, लेकिन जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट भी बोलते हैं, वॉट, ठीक है, क्योंकि जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था तो उनके नाम पे जूल पर सेकेंड को वॉट रखा गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सी हमारा आंसर हो जाएगा, जूल पर सेकेंड भी और वॉट भी। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि जूल पर सेकेंड को हम वॉट तो नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एट, वन किलो वॉट इज इक्वल टू, एक किलो वॉट में कितना वॉट होता है, सिंपल है, किलो का मतलब 1000, आप लोग फेसबुक में भी देखते होंगे कि 1K लाइक्स, तो 1K मतलब 1000, तो सिंपल आंसर हो जाएगा ए 1000 वॉट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन, विच फार्मूला इट इज़ नॉट यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ पावर, हमारे पास यहाँ चार फार्मूला दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन से फार्मूले से हम पावर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर का बहुत सारा फार्मूला होता है, डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन क्या है, अगर वोल्टेज और करंट गिवन है तो पहले फार्मूले से निकाल देंगे P इज इक्वल टू V इंटू I, अगर आपके पास करंट और रेसिस्टेंस का वैल्यू गिवन है तो पावर निकाल देंगे I स्क्वायर R, अगर आपके पास वोल्टेज और रेसिस्टेंस का गिवन है तो निकाल देंगे V स्क्वायर बार, मतलब A B C से हम पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन D हमारा जो है वो गलत फार्मूला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस फॉर्मूले को हम पावर का वैल्यू निकालने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इसका आंसर करना है. व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक आयरन विच वी यूज़ एट होम. हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं वो कितना पावर कंज्यूम करता है. हम लोग बोलते हैं ना कि अरे आयरन जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो जल्दी जल्दी वर्क करो, मतलब किसी किसी केसेज में तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पावर, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितना वॉट कंज्यूम करता है. ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.